दोस्तों, आज मैं एक और नया एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ। तो देखते हैं वह एक्सपेरिमेंट क्या है ना। तो मेरे पास क्या है, एक मोमबत्ती लिया हूँ और ये लाइटर है, और ये दिख रहा होगा क्या है, ये छिलका किसका, संतरा का है ना। संतरा आप लोग सभी लोग लगभग लगभग खाए होंगे ये, ठीक है। छिलका है इसका, अंदर वाला खा चुका हूँ है ना, तो इसका छिलका बस बचा है। तो मैं सोचा कि छिलका के बारे में ही आप लोग आज कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मोमबत्ती को जला दिया, ठीक है। अब देखते हैं इस छिलके की मदद से क्या होता है। ये छिलका में जो रस होगा है ना, उससे मोमबत्ती जल गई। अब हम देखते हैं इसमें करके, ठीक। देखिए जल रही है, और देखते हैं दूसरा भी करके देखते हैं। देखिए ये क्या हो रहा था, जल रहा था है ना। मतलब संतरा का जो छिलका होता है उसके अंदर जो रस पाया जाता है वो एक बर्नेबल होता है, यानी जलने वाला। दूसरी बात कि इस छिलके का जो रस रहता है उसका यदि आप चेहरा में, फेस में यदि लगाते हैं, तो आपका जो डेड सेल होता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बरर बोलते हैं, वो पूरा क्लीन कर देता है और भर देता है। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा तत्व यानी पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ये जलने लगता है।